अफगानिस्तान के कराकुली भेड़ की खाल बांग्लादेश की पैदावार पटसन से बनने वाली टाट पर सजती है तो तैयार होती है कराकुली टोपी, यानी पाकिस्तानी जुबान में कहें तो जिनाह कैप। पाकिस्तान में इसके बनाने वाले इक्का दुक्का ही रह गए हैं। इनमें से एक लाहौर के ताज मोहम्मद हैं। 57 साल से ये टोपी बनाने वाले ताज मोहम्मद कहते हैं कि अफगानिस्तान से दूरियां पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जिनाह कैप से दूर लेकर जा रही है। अफगानिस्तान से खाले आती थी लेकिन अब वो नहीं आ रही, बॉर्डर बंद है। वो ये फारसीवान लोग लाते थे, अब वो फारसीवान लोग जो इनको दाखिल होने नहीं देते हैं। जिनाह कैप की खासियत उसकी गैर हमवार खुंगरियाली सतह है जो अफगानिस्तान से दरामद होने वाली भेड़ की खाल से मशरूत है। पाकिस्तानी की भेड़ के बच्चे हैं वो उनकी खाल खुशक होती है, इसके जो बाल के कुंडल नहीं बनते हैं। जो काबुल के अंदर है वो उधर तुर्कस्तान एक इलाका है, उधर वो ठंडा इलाका है, उसमें अगर जो बच्चा पैदा होता है वो उस साथ उसके जो कुंडल है वो बन जाते हैं, वो फिर वो खुलते नहीं, उसके अंदर रेशमी चमक है। यही खाल अब पाकिस्तान आने की बजाय बाहर के मुल्कों में चली जाती है जहां इससे गर्म मलबूसात बनाए जाते हैं। इस्तेमाल शुदा कपड़े जब वापस लौट की सूरत पाकिस्तानी लंडे बाजारों में आते हैं तो ताज मोहम्मद जैसे कारीगर उन्हें ढूंढ कर खरीदते हैं और उन्हें उधेड़ कर टोपी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इतना फर्क है कि वो अगर नई खाल अगर 3 साल 4 साल चलेगी तो ये 2 साल चलेगी। खाल की खरीदारी के बाद इसे टोपी में ढालने का अमल शुरू होता है जिसको रवायती शक्ल देने में बांग्लादेशी टाट अहम किरदार अदा करता है, लेकिन वो टाट भी अब पाकिस्तान आना बंद हो चुका है। फेल्ट बनता है ना टाट, उसके अंदर भी लगता है और जिनाह कैप के अंदर, इसके अलावा ना वो फेल्ट बनता है और ना ये जिनाह कैप। बांग्लादेश की पैदावार है क्योंकि पटसन वहाँ ज्यादा होती थी। असल कराकुली टोपी 7,000 से 10,000 में बनती है, लेकिन अब ये कारीगर लोगों की जेब और तलब को देखते हुए चाइना के बनाए मस्नूई कपड़े का इस्तेमाल भी करते हैं जो 200 रुपए से 1500 में भी मिल जाती है। लाहौर की गिनी चुनी दुकानों पर पहुंचने के बाद ये माल ज्यादातर सरकारी दफातर के मुलाजमीन के लिए आय ऑर्डर्स में पूरा होता है। मैंने ब्लैक पहनी है, इसमें ग्रे भी है, ब्राउन भी है, कैमल कलर भी है और शुतरी रंग भी होता है। जो हमारे गाग लगे हैं वो अब तक आ रहे हैं और ये स्कूलों में जब फंक्शन होते हैं बच्चे को बनाना होता है कैद हजम तो वो भी आते हैं जिन्ना कैब लेके जाते हैं। लेकिन 21 से 25.5 इंच साइज में दस्तयाब ये टोपी अभी भी लंदन जर्मनी समेत दुनिया भर में बरामद की जाती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।